यहाँ नव वर्ष की बधाई चल रही है नवरात्रि के पहले दिन। देखिए यही जिंदगी है और कुछ नहीं है जिंदगी भाई। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है प्रेमा ब्लॉग। तो नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ। तो आज माता रानी का पहला नवरात्रा है, तो बस मैं भी सुबह सुबह सारा काम वगैरह करके एकदम रेडी हो चुकी हूँ माता रानी की जोत जलाने के लिए। तो चलिए अब माता रानी के नाम जपने के दिन आ गए हैं। अब 9 दिन तक हम बस माता रानी में रमे रहेंगे। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से माता रानी के भजन कीर्तन का आनंद लें। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं करती हूँ पूजा पाठ, उसके बाद थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं और फिर चलेंगे कीर्तन में। तो जी यहाँ आ चुकी हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले ना मंदिर की सफाई वगैरह करती हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें करती हूँ। वैसे तो सफाई मैंने कर रखी थी, पर एक बार दिया जलाने से पहले हल्का सा कपड़ा ना फिर भी मार देती हूँ। सारे काम करने के बाद ना मैंने मंदिर के जितने भी बर्तन थे सबको धो लिया था, और धोकर फिर बढ़िया तरीके से मंदिर में लगा कर फिर मैं माता रानी की जोत जलाऊंगी। और आज ना मैंने अपनी मंदिर की सारी लड़ियाँ भी जला दी थी, क्योंकि भाई नवरात्रि भी हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार का दिन होता है, तो बस माता का मंदिर ना जगमगाता रहना चाहिए। तो मैंने मंदिर में लड़ियाँ भी जला दी थी और माता रानी की जोत भी जला दी थी। तो चलिए अब हम पूजा पाठ कर लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे वीडियो कौन बना रहा है, तो वीडियो ना मेरा बेटा बना रहा था। मैंने कहा बेटा आप थोड़ा सा वीडियो बना दो, मैं तब तक पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और आप तो जानते ही हैं जब मेरा बेटा घर होता है ना तो मैं उसके साथ ही पूजा करती हूँ, क्योंकि ना मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ कि कैसे पूजा पाठ वगैरह होती है, कैसे क्या करते हैं। बच्चों को भी बताना चाहिए ना आजकल के। तो जी सारा काम वाम करके अब मैं जाने लग गई हूँ कीर्तन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं कीर्तन में। यहाँ नव वर्ष की बधाई चल रही है नवरात्रि के पहले दिन। देखिए यही जिंदगी है और कुछ नहीं है जिंदगी भाई, ऐसी हंसते रहे हम लोग, आप सभी लोग। ये हमारा ग्रुप सारा इकट्ठा होने लग गया है, सारा का सारा ग्रुप बाहरी कॉलोनी। तो आज पहला नवरात्र, सभी लोग लाइन बना के जाते हुए। और गर्मी बहुत तेज है, तो बधाई भी दे दी है भाई सबको। तो जी कीर्तन से आ चुकी हूँ मैं घर। तो बस घर आके आप लोग जानते ही हैं क्या काम होगा। घर आके अब काम हो रहा है भाई खाना वाना बनाने का, क्योंकि व्रत भी है और आलू आलू आज के दिन व्रत के दिन आलू ही बनते हैं। मुझे तो आलू ही पसंद है, तो मैं आलू की ही सब्जी बनाऊँगी और थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह बनाऊँगी सोच रही हूँ। और फिर दूध का भी टाइम हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ आलू वगैरह बॉयल कर लेती हूँ। तो जी आलू बॉईल करके आलू भी छिल लिए बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे आलू भी छिल लिए। और टाइम भी अब हो गया है 5:45, तो दूध लेने का टाइम भी हो चुका है। अब हम जाते हैं दूध लाने, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी मैं आकर और प्रसाद वगैरह बनाऊंगी। तो आलू मैं ढक के रख देती हूँ यहाँ, सब्जी बनेगी आकर, क्योंकि आजकल ना टाइम बहुत होता है
तो अभी उजाला ही है बाहर, तो अभी टाइम काफ़ी होता है, तो आराम से बनाऊंगी खाना पीना। चलिए चलते हैं थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए, और दूध भी ले आएंगे। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ताला। देखिए हमारे गली के बच्चे आए हैं प्यारे प्यारे, चलो डांस करके दिखाओ, इधर आके करो। ये देखो हमारी जोना, जोना जोना हमारी हमारी माता रानी, हमारी माता रानी, देखो हमारी माता रानी। थोड़ी पानी ला। तो जी अब टाइम हो चुका है माता रानी की आरती करने का, तो मैं सोच रही हूँ आरती वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो माता रानी की आरती के साथ ना बस दो पंक्तियाँ मेरे मुंह में आ रही हैं, तो मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ ना गुनगुनाऊँ, तो आप लोग को भी शायद अच्छी लगेंगी लाइनें। बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को कैसा लगा। दो लाइनें सुनाने जा रही हूँ माता रानी के लिए कि सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है, जो तेरे चरणों में आ गया है। ना पाया तुझको अमीर बन कर, ना पाया तुझको गरीब बन कर, ना पाया तुझको अमीर बन कर, ना पाया तुझको गरीब बन कर, उसी को तेरा दर्शन हुआ है माँ, उसी को तेरा दर्शन हुआ है, जो तेरे चरणों में आ गया है, जो तेरे चरणों में आ गया है। किसी को तुमने बनाया राजा, किसी को तुमने बनाया साधु, पर माँ उसी को तुमने तारा, पर माँ उसी को तुमने तारा, जो तेरे चरणों में आ गया है, सफल हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। तो मन करा मेरा माता रानी के लिए दो पंक्तियाँ गाऊं करके, तो बस आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो चलिए अब मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करते हैं, क्योंकि मैं जब भी आरती वगैरह करती हूँ ना एक आध भजन ज़रूर गाती हूँ, अच्छा लगता है मन को, बहुत कहते हैं ना शांति टाइप की सुकून मिलता है। तो बस आप लोग भी करके देखें, ऐसा आप लोग को भी बहुत अच्छी अनुभूति होगी अंदर से। तो चलिए फटाफट से करते हैं आरती और फिर करते हैं बाकी के काम। तो जी बढ़िया चटपटे आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है, बस अब थोड़ा सा प्रसाद वगैरह बनाऊंगी भोग लगाने के लिए माता रानी को, और पूरी और रोटी जो भी खाएंगे पापा लोग वो चीज़ बनाऊंगी। आपको दिखाती हूँ आलू के कुटके ना इतने टेस्टी बने हुए ना, मैंने देख के अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में भी अच्छे हो ही रहे होंगे, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने आलू के गुटके बना दिए हैं, और मैं थोड़े से रसदार बनाऊंगी इनको, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ प्रसाद भोग लगाने के लिए। एक तरफ सूजी भुन रही है और दूसरी तरफ ना मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए हलवे में डालने के लिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो अच्छा हलवा बनाया है, तैयार हो चुका है थोड़ा सा भोग लगाने के लिए माता रानी को, हलवा बनाया है मैंने।
भाई खाना खाने के बाद ना अब मैं जा रही हूँ हमारे पड़ोस में, बालाजी का कीर्तन है जस्ट पड़ोस में, तो निमंत्रण आ रखा है तो जाना जरूरी है। तो अपने बेटे को लेके जा रही हूँ मैं वहाँ। अभी से नींद आ रही है, क्या होगा, थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे, दर्शन करा करके आ जाते हैं, निमंत्रण बोला है ना। मैं आया जो संवारिए हो तेरा बुलाया तेरा बालिए मैं आया से